कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। रात्रिना स्वाध्यायना क्रम में सत्ता स्वरूप पुस्तक ने आधारे जिनवाणी ने आधारे सर्वज्ञ भगवंत नो स्वरूप अने सर्वज्ञ भगवंतों द्वारा कहेल वस्तुनो स्वरूप तेनो आपणे अभ्यास स्वाध्याय छेल्ला बे महीनाथी करीए छीए। एमां जे अनंत चतुष्टय संपन्न अंतरंग वैभवथी सभर एवा अने समो शरणादि बाह्य वैभवोथी सभर एवा वीतरागी जिनेन्द्र भगवंतो एमनी समता एमनी वीतरागता ए बधु निहाळीने विचारीने पोताना चिंतन मनन में सरवाळा में संभाव प्रगटवा जोईए केम के सामे मुद्रा संभावनी छे तो अहीं चित्त में पण संभाव समता अने वीत राखता फरी वळवी जोईए। यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। परमात्माना दर्शन परमात्माना दर्शन माटे नहीं पोताना परमात्म स्वरूपना दिग्दर्शन माटे होई छे। आत्मदर्शन माटे जिन दर्शन होई छे खरेखर तो सम्यक दर्शन माटे जिनेन्द्र भगवंतोना दर्शन होई छे। आत्मदर्शननो प्रयोजन नथी आत्मदर्शननी भावना नथी तो जिन दर्शन नथी जिन दर्शननु प्रदर्शन छे। शू कीधु आत्मदर्शननो जेवो प्रयोजन नथी तो जिन दर्शन पण जिन दर्शन नथी केवल ने केवल जिन दर्शननो देखाओ छे के प्रदर्शन छे। ख्याल में आयो केटलो दर्शन जिन दर्शन आत्मदर्शन सम्यक दर्शन एक जेवा लागे ने शब्दों बदा प्रदर्शन आ बदा शब्दों केवा मळता लागे ने एकबीजाना भाईबंध दोस्तार जेवा लागे પણ ઉગમણા અને આગમણા જેટલો એમાં તફાવત છે। સમતા પાઠ પઢાતી હૈ ધ્યાન કી યાદ દિલાતી હૈ। જો અજનેન્દ્ર ભગવંતના દર્શન કરવા પાછળના પ્રયોજન समता पाठ पढ़ाती है ध्यान की याद दिलाती है। नासा दृष्टि लखो इनकी समझाणो वीतरागी जिनेन्द्र भगवंतोनी नासाग्र दृष्टि निहाळी ने एमना जेवी समता साम्य भाव परम वीतराग भावनु घोलन करू
केवल अने केवल एटलू ज आपणुं प्रयोजन होवुं जोईए। आ प्रकरणमां आवीने आपणे ऊभा छीए अने छेल्ला 7-8 स्वाध्यायमां आपणे समता शुं, साम्य भाव शुं एनी बधी कथा करीए छीए। जे बराबर छेल्ला 8-10 स्वाध्यायमां अत्रे भेगा छे, सांभळे छे, बधाने आपने ख्याल छे। न ख्याल होय तो छेल्ला 5-6-7 स्वाध्याय ग्रुपमां मोकळवामां आवेला छे। कोई 15 मिनिटनों छे, कोई 20 मिनिटनों छे, कोई 25-30 मिनिटनों छे। चोक्कस सांभळजो। 10-1 छंद आपणे समता षोडशी काव्यना पूरा कर्या। समता एटले सामायिक, समता एटले शुद्धोपयोग, समता एटले अनुभवरस, समता एटले समरस, समता एटले शांतरस, समता एटले सहजतानो रस, समता एटले आनंदनो रस। आम विचारता जाओ, विचारता जाओ, विचारता जाओ, विचारता जाओ। वीतराग रस, वीतराग रस, वीतराग रस, खरेखर ई साचो समता रस छे। केवल हाथ ऊपर हाथ मूकी पाक कलाक, 15-20 मिनिट, अर्धी कलाक बैठा अने कोई स्तुतिनो पाठ कर्यो अने चिंतन मनन कर्या, एनुं नाम सामायिक नथी। समभाव समता भावनी प्राप्ति थवी एनुं नाम सामायिक छे। आ समता षोडशी पाठ पूरो थाय एना पहला पहला, एटले लगभग काले परम दिवसे जारे पण सहेज योग बनसे, हूँ आप सहुने नियमसारने आधारे सामायिक संबंधीनी बधी चर्चा अत्रे लेशु। अत्यारे जेटला जे 10 छंद 10 काव्य पूरा थया छे, गई कालना पण छेल्ला 3 छंदो 8, 9 अने 10 त्यां सुधीना बधा ज काव्योना आपणे पाठ करशुं। शांतिथी आप सौ श्रवण करशो, सांभळशो अने गमे तो मारी साथे चोक्कस सुरमां सूर रेलावता, मध्यम स्वरमां शांतिथी पोताना आनंद माटे वागोळशो। हूँ अहींथी पाठ करू छूँ ये भूली जाओ। आप पोते बेसीने सामायिक पाठ करो छो एवं चिंतन करता करता आ समता षोडशी एटले 16 छंदोनो आजे समता भाव अंगे, साम्य भाव अंगे कवित्व शैलीमां जे कंई प्रस्तुति करवामां आवी छे एनो आपणे आनंद लेशुं। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो। शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। नहीं अशांति का कुछ कारण, नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख रहो। क्यों पर लक्ष करे रे मूरख, तेरे से सब भिन्न अहो। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो। नहीं आधीन है तेरे कोई,
सब स्वाधीन परिणमित हो। शांत रहो शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो। करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। शांत रहो शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। शांत रहो शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के ज्ञेय हो निरपेक्ष करो निज अनुभव। बाधक तुमको कोई न हो। शांत रहो शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। तुम स्वभाव से ही आनंदमय, पर से सुख तो लेशन हो। झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चित धरो। शांत रहो शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। पर द्रव्यों का दोषन देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो। नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, भेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि धरो। शांत रहो शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। कर्तापन का भावन लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। शांत रहो शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। कुछ विकल्प यदि आवे तो भी, संबोधन समतामय हो। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भावन हो। नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेदन हो। शांत रहो शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। हीन भाव जीवों को लख कर, ग्लानी भाव नहीं मन में हो। कर्मोदय की विचित्रता समझो, स्थिति करण करो। शांत रहो शांत रहो,
सहज सदा ही शांत रहो। आवी रीते आपणे एकांतमां बेसीने खूब गंभीरतापूर्वक मन ने स्थिर करी बाहर भटकता उपयोग ने स्वरूप में एकाग्र करी ज्ञान तत्वज्ञान अने साथे वैराग्य ज्ञान अने वैराग्य बन्ने नो जोड़ान करी चिंतन मनन करव जोइए। दसमो छंद दसमी कड़ी जे गई काले आपणे अर्थ जोया था हीन भाव जीवों के लख कर एटले बीजाना प्रमादना भाव बीजाना पापना परिणाम बीजानी स्वच्छंदता बीजानी शिथिलता बीजानो प्रमाद ए बधु जोई जोईने कशाय नहीं थो केम के कशाय वड़े पोतानुज बुरु थाय ग्लानी भाव क्यारे नहीं लावानो। हाँ कर्मोदयनी विचित्रता समझी कर्मोदयनी अति विचित्रता समझी होनहार खोटी छे एम विचारी ने जो पोताना थी बने तो एमने मार्ग में स्थितिकरण करवानो एमने मार्ग में स्थिर करवानो कितली सरस प्रेरणा आमा दसमा छंद में आप्यु छे। मोक्षमा प्रकाशकना सातमा अध्याय में छेल्ले एक बहुत सरस वात आवे छे अमे जे व्यवहारावासी निश्चयावासी उभयावासी वगैरह ना दोषो कया एवा दोषो जो पोतानामां होय तो एमने काढ़ी नाखवाना प्रयत्नो करवा पण बीजाना दोषो जोई जोईने कशाई नहीं थो ई आ वात हीन भाव એટલે બીજાના કશાયના ભાવો વગેરે જોઈને આપણે ગ્લાની નહીં કરવાનો દ્વેષ નહીં કરવાનો કેમ કે બીજાના દોષો જોઈ જોઈને કશાય થવાથી પોતાનું જ બુરું થાય આવી સરસ પ્રેરણા આમાં આપી છે। એના પહેલા નવમા છંદમાં આપણે જોયા હતા સામેવાળો જીવ જો આપણી વાત માને છે તત્વની વાત માને છે तो सहज भावे नी सहज योग्यता सहज स्वीकार करव कि पात्रता हती एटले जीवे स्वीकार करो अहंकार नहीं लावानो अभिमान नहीं लावानो काले आपणे वात थई छे आम तो आपणी वात सामेवाळो माने तो अहंकार नहीं अने न माने तो खेद नहीं एनी योग्यता माने तो एनू भलू माने तो एनी योग्यता એમાં મારે આપણે અહંકાર કરવા માટે અવસર ક્યાં છે એ એની યોગ્યતા છે અને નહીં માને જો સામેવાળો જીવ નહીં માને તો ભવિતવ્યની વિચિત્રતા વિચારવાની ખોટી હોનહાર છે ખોટો ભવિતવ્ય છે એમ વિચારીને જો ભવિતવ્યતાનો વિચાર કરવાનો નહીં તો સહજ યોગ્યતાનો વિચાર સહજ યોગ્યતા ખ્યાલમાં આવી જાય સામેવાળા જીવની તો અભિમાન નહીં થાય આપણને અને એનો જ ખોટો હોનહાર છે એ ભવિતવ્યને હોનહાર અંગે વિચાર જો આવે તો ખેદ પણ ન થાય અહંકાર નહીં અભિમાન નહીં ખેદ નહીં ગ્લાની નહીં દ્વેષ નહીં બસ આવી રીતનું ચિંતન એનું નામ અહીં સમતા ભાવનું ચિંતન સમતા ષોડશી છે ને પાઠનું નામ ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી જાણે અનજાણે આ રીતે પણ આપણે અભિમાન કરતા હોઈએ છીએ। આ બે કેટલા માર્મિક છંદ છે રોજ રોજ આના અર્થ કરીએ તો રોજ રોજ નવા અર્થો આમાંથી નીકળી શકે છે। એટલે જેમ બહેનશ્રી જેવા જીવો ગુરુદેવશ્રી જેવા જીવો કહેતા અનાદિકાળથી આ જીવ ક્યાંક 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 અટકતો આવ્યો છે એ અટકન ક્યાં છે અહંકારના નામે અભિમાનના નામે ખેદના નામે બીજા પ્રત્યે ગ્લાનીના નામે અણગમાના નામે આ જીવ અટકે છે। આ બે છંદોમાં એની વાત છે। આઠમો છંદ
दया जो करवाना भाव थाय है तो सौथी पहला पोता ऊपर दया करो, दया करो पहले अपने पर। केटली सरस बात छे। अपने धर्म नी बात कंईक समझाय न समझाय तरत ज बीजा ने संभळावानी आपणे टेव होय छे। आजकल जे व्हाट्सअपिया जमाना में जे फॉरवर्डिया व्हाट्सअपिया कहो के फॉरवर्डिया कहो, कंईक सारी वस्तु मळी सामे वाळाने आपणे फट देने फॉरवर्ड करो, अरे पण शुं छे ई तो विचारो, शुं छे ई तो वागोळो। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो, पोतानी आराधना थी पोते चिगो मां, एटले चलित नहीं थाओ, चंचल नहीं बनो, पोतानी आराधना भंग न थवी जोईए। सौथी पहला पोतानो आत्महित, पची समय रहे तो बीजाने। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। ला प्लेन में छे ने एर होस्टेस सूचना आपे आपणने, ओलू जो एरनू जो पाइप होय, ऑक्सिजननू पाइप होय, नळी होय, ए सौथी पहला एम कहे कि पहला तमे मोढ़े बांधो अने पछी समय रहे तो बीजाने हेल्प करो। सौथी पहला आत्महित, आदहिदम कादवम, ख्याल में आयो। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। कुछ विकल्प यदि आवे तो भी, जो कदाच विकल्प पण आवे समझावाना तो संबोधन करो, એટલે તત્વ સમજાવો, તત્વ અંગે ખ્યાલ આપો, સમતામય, એટલે પરિણામોમાં સમતા લાવીને જ એમણે સમજાવવાનું, આક્રોશને ઠાલવવાનું, સમતા ભાવથી જ સંબોધન કરવાના। એવી રીતે 10 છંદ પૂરા થયા છે, 16 છંદ જ છે, હવે બાકીના જે 6 છંદ છે જરીક આગળ વધીએ જુઓ। अरे कलुषता पाप बंध का कारण लख कर त्याग करो, पहला पाप ने पाप तो मानो, कलुषता कषाय क्लेश, चिंतन मनन में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, परिग्रह पामीने, पैसा पामीने, सत्ता पामीने, मान अभिमान पामीने, जे अभिमान में छकी जाइए छे, ये कलुषता छे। कलुषता एटले गंदगी, कलुषता एटले दोष। અરે કલુષતા પાપ બંધ કા કારણ, ગમે તે જાતની કલુષતા હોય, અરે બીજા અંગે ઈર્ષા, બીજા અંગે દ્વેષ, અદેખાઈ સામેવાળાને નીચે પાડવાના ભાવ, ઈર્ષા, અસૂયા, દ્વેષ, કશાય ક્લેશ છે, કલુષતા એ નિયમથી પાપના જ બંધના કારણ છે એમ વિચારીને ત્યાગ કરો, એને છોડો। केवल कलुषता ने ज पाप बंधनो कारण छे एम करीने छोड़ो एम नहीं, आळस पण छोड़ो, प्रमाद छोड़ो। बहु सरस बात छे, प्रमाद छोड़ो। छड़ाळामां प्रमादनी बहु सरस व्याख्या आवी। धर्मना कार्योमां उत्साहनो नहीं हो एनु नाम आळस, एनु नाम प्रमाद। અરે સ્વાધ્યાય ચાલતો હોય તો સ્વાધ્યાય સાંભળવાના ભાવ ન થાય, ભગવાનના દર્શન કરવાના ભાવ ન થાય, સત્સંગના ભાવ ન થાય, આ બધું પ્રમાદ છે। કુશલેશુ અનનુરાગઃ પ્રમાદઃ, કુશળ કાર્યમાં અનુરાગનું નહીં હોવું એનું નામ પ્રમાદ છે। એટલે મા પ્રમદિતવ્યમ, પ્રમાદ નહીં કરો। આલસ છોડો, બનો ઉદ્યમી, ઉદ્યમી બનો, પુરુષાર્થી બનો, મહેનત કરો, સમજો, સોચો, વિચારો, પર સહાય કી ચાહ ન હો, બીજા નહીં ચાહ નહીં કરો, બીજા કોઈ આવીને મને સમજાવશે ને મદદ કરશે એમ નહીં, પોતે પોતાના માર્ગે પોતાનો માર્ગ કેડી કંડારો, આનંદથી પાપોથી બચો, આળસને છોડો, પુરુષાર્થ વાટે આગળ વધો। ख्याल समझाई छे, आवे छे बात। काल लब्धि पुरुषार्थाधीन, आ पंचमेरु नंदीश्वर विधान पूजा में एक पंक्ति आवशे, बहु सरस छे। श्री जिनेन्द्र ने हमको बताया काल लब्धि पुरुषार्थाधीन, काल लब्धि तो आवशे पण पुरुषार्थ ने आधीन छे। काल लब्धि आवशे त्यारे आपणे पुरुषार्थ करशुं एम नहीं, पुरुषार्थ पहला अमे करशुं पछी काल लब्धि आवशे, एवी रीते एनो अर्थघटन आपणे करवुं जोईए। तो आमां मन नी मलिनता, मन पवित्र पहला होवू जोईए,
मन पवित्र हसे मन चंगा तो कात्रोटी माँ गंगा एम कहवाय। मन प्रसन्न राखो, चित्त ने हमेशा प्रसन्न राखो, बीजा अंगे ईर्षा द्वेष असूया आ बधा विभावों ने मटाड़ो। ये पाप बंधना कारण है, नरकना कारण है एम नहीं, केम के पवित्रता हसे तो आत्मा की बात बेसे। आलस ने छोड़ो, प्रमाद ने छोड़ो, उद्यमी बनो, पुरुषार्थी बनो, तत्वाभ्यासी बनो, निर्णय तत्व निर्णय में उपयोग ने जोड़ो। अरे पर सहाय की चाह न हो, क्यारे कोई नी अपेक्षा आपणे राखवी नहीं। अरे सरवाळामां मूळमां शुं समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, शांत रहो शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। आवी रीते समता भावनी आराधना आ काव्य द्वारा आपणे करीए छीए। शेष काव्योनी चर्चा आपणे पछी लेशुं। जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सुपावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो।